आप सभी लोगों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग आज टेंस के बारे में जहां तक वीडियो बन चुका था उसके आगे पढ़ेंगे, तो आज जो हम लोग टेंस पढ़ेंगे उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बच्चों, प्रेजेंट माने वर्तमान होता है, परफेक्ट माने पूर्ण होता है, टेंस माने काल। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे और उस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम फिर आगे ध्यान देंगे कि इसकी परिभाषा क्या होती है। अंग्रेजी में डिफिनेशन क्या है? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बच्चों मैंने पहचान इसके पिछले वीडियो में आसानी से बताया था, लेकिन अब हम ध्यान देंगे जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, चुका हूँ अथवा या है, ई है, ए है, या हूँ, ए हो आदि में से कोई एक आए उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। बच्चों फिर से एक बार ध्यान से सुन लो, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुके हो आदि में से कोई एक आए वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अथवा जिस वाक्य के अंत में या है, ई है, ए है, या हूँ, ए है, ए हो आदि में से कोई एक आए वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे श्याम अपना काम कर चुका है, इसी को बच्चों इस तरह से कह सकते हैं, श्याम ने अपना काम कर लिया है। श्याम ने अपना काम कर लिया। देखिए यहाँ चुका है आया है, यहाँ लिया आया है, इसलिए दोनों विधि से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब आती है इसके सहायक क्रिया की बात, तो इस टेंस की सहायक क्रिया हैज और हैव होती है। इस टेंस की सहायक क्रिया जो होती है, सहायक क्रियाएं हैज और हैव होती है। एक वचनकर्ता के साथ हैज और बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है, और इस टेंस के मुख्य क्रिया का, इस टेंस में मुख्य क्रिया के तीसरे रूप का प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज हम जो मुख्य भूमिकाएं हैं वो हम ध्यान देंगे। अब इसी बात को बच्चों हम कंफर्म कर लेंगे इंग्लिश टू इंग्लिश। अगर कोई पूछे व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो आप कह सकते हो कि विच सेंटेंस हैज इन इट्स एंड चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, और या है, ई है, ए हो, या हूँ, ए टी सी इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
हैज कॉमा हैड इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ दिस टेंस, हैज फॉर सिंगुलर नंबर, हैव फॉर प्लूरल नंबर। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म इज यूज्ड इन दिस टेंस, इसमें मुख्य क्रिया के तीसरे रूप का प्रयोग किया जाता है। अब बच्चों बात आती है कि इसके एक एक सेंटेंस को हल करने की, तो कोई भी टेंस हो, हमने बताया था किसी भी टेंस के तीन पार्ट होते हैं, साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। ए डबल एफ आई आर अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे सरिता ने एक पतंग बना लिया है। अब जब इसे हम हल करेंगे, या इसी को हम कह सकते थे सरिता एक पतंग बना चुकी है, इसको जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले कर्ता, कर्ता हो जाएगा सरिता। अब तुरंत हेल्पिंग वर्ब सरिता हैज, मेक का तीसरा रूप मेड होता है, मेक मेड मेड, ना कि मेक मेकड मेकड, नहीं, मेक मेड मेड। सरिता है मेड एक काई। तो ये बच्चों हो गया अफर्मेटिव, सरिता ने एक पतंग बना लिया है या सरिता एक पतंग बना चुकी है। इसी का निगेटिव हम लोग ध्यान दे देंगे, निगेटिव सेंटेंस। हमने कहा है किसी टेंस का केवल एक अच्छे से आ जाए, एक टेंस के बारे में विधिवत जान जाओ, तो टेंस बहुत आसानी से हल किया जा सकता है। उसके बाद हमें ज़्यादा फोकस ये करना है टेंस के अभिन्न अंगों पर। कभी कुछ टेंस दिखने में कुछ होता है लेकिन अनुवाद कुछ में किया जाता है, इस अपवाद पे हमें ध्यान देना है। निगेटिव सेंटेंस तो इसका हो जाएगा सरिता एक पतंग नहीं बना चुकी, तब ये हो जाएगा सरिता हैज ना मेड ए काइट। हमने कहा हमेशा नॉट का थर्ड स्थान होता है, थर्ड प्लेस होता है, ऑलवेज नॉट हैज इट्स प्लेस नंबर थर्ड। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस उस पे ध्यान देंगे। इंट्रोगेटिव क्या सरिता एक पतंग बना चुकी है? बच्चों हमने पहले ही बताया कि यहाँ इस सेंटेंस में क्या पहले आएगा, जब इसका हम अनुवाद करेंगे तो क्या कि अंग्रेजी नहीं लिखेंगे हम,
कहा करते थे, बताया करते थे। कीप क्वेश्चन वर्ड इज यूज बिफोर ऑफ एनी सेंटेंस देन इट्स कन्वर्टेड इनटू इंग्लिश। द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन वर्ड इज नॉट यूज्ड बट हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हेयर सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर देन हेल्पिंग वर्ब इज यूज फॉर सिंगुलर नंबर। यहाँ कर्ता एक वचन है, इसलिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैज सरिता मेड ए काइट। उसके बाद बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह से होता है। एक प्रश्नवाचक वाक्य, उसमें प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है। एक प्रश्नवाचक वाक्य ऐसा होता है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में है। जैसे शरिता एक पतंग कब बना चुकी है। यहां बच्चों प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले। जैसे मैंने कहा इफ क्वेश्चन वर्ड इज यूज बिटवीन ऑफ एनी सेंटेंस देन इट्स कन्वर्टेड इनटू इंग्लिश। द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन वर्ड इज यूज बिफोर, तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है अगर बीच में है। तो कब, कब की अंग्रेजी होती है व्हेन। व्हेन हमने कहा तुरंत, यदि कोई प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे तो तुरंत उसके बाद सहायक क्रिया, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द कहता है कि मेरे दो अर्थ निकलते हैं, व्हेन माने कब भी होता है, व्हेन माने जब भी होता है। यदि हम व्हेन के बाद सहायक क्रिया नहीं लिखेंगे तो व्हेन का अर्थ जब पढ़ा जाएगा, तो इसलिए व्हेन का अर्थ कब ही निश्चित करने के लिए हम तुरंत प्रश्नवाचक शब्द के बाद सहायक क्रिया लिखेंगे। व्हेन हैज सरिता। बच्चों एनी हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। कोई भी सहायक क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग की जाती है। तो हेयर सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर देन हेल्पिंग वर्ब इज यूज फॉर सिंगुलर नंबर। तो व्हेन है सरिता मेड ए। बच्चों इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने पढ़ा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तीन सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, यानी तीनों उसके अंगों को भी हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कुछ ऐसे होते हैं जो जरूरी हैं, उनको बता दें कि दिखने में वो कुछ होते हैं लेकिन अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। जैसे हमने कह दिया उसने अपना खेत जोता है। बच्चों ये विशेष ध्यान देने वाली बातें हैं, उसने अपना खेत जोता है। देखो वाक्य के अंत में यहाँ ता है दिख रहा है, दिखने में प्रेजेंट इंडिफिनिट है लेकिन बच्चों यहाँ पे इसका अनुवाद प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में नहीं किया जाएगा। और हम ध्यान दें दो शब्द स्पेशल होते हैं, जोता और पोता। जिस वाक्य के अंत में आए वो दिखने में प्रेजेंट इंडिफिनिट की तरह दिखेंगे लेकिन उनका अनुवाद ट्रांसलेट जो किया जाएगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ये हम विशेष ध्यान दें। तो उसने अपना खेत जोता है, जब हम अनुवाद करेंगे तो हो जाएगा ही, उसके बाद सहायक क्रिया है
जोतने की अंग्रेजी होती है प्लाउ, इसमें तीसरा रूप लगेगा प्लाउ। अपने के साथ यहाँ हिज लगेगा, ही हैज प्लाउ हिज फील्ड, ही हैज प्लाउ हिज फील्ड। तो यहाँ हम ध्यान देंगे ही हैज प्लाउड हिज फील्ड, उसने अपना खेत जोता है। बच्चों तो इस प्रकार से सर जी के द्वारा बताए गए जो दो विशेष बातें हैं, जैसे उसने अपना घर पोता है, तो यहाँ हम तुरंत ध्यान देंगे जोता और पोता शब्द अगर आए, सर जी ने ऐसा कहा है, उसे ध्यान दीजिएगा कि उसका जब भी हम अनुवाद करेंगे तो उसका अनुवाद हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। बाकी तो ढेर सारे अपवाद हैं, हम अगला टेंस पढ़ेंगे। तो अगले टेंस का नाम बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ बच्चों हम प्रेजेंट की हिंदी जानेंगे वर्तमान, परफेक्ट पूर्ण, कॉन्टिन्यूअस का बच्चों अर्थ होता है जारी लगातार, हम अपूर्ण कह सकते हैं, जो जारी हो यानी पूरा नहीं हुआ है तो हम अपूर्ण टेंस माने। इन्हीं पर जिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हिंदी वर्तमान पूर्ण अपूर्ण का होता है। इसकी परिभाषा हम बच्चों सुने ध्यान दें, डिफिनिशन जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है परिभाषा, तो जिस वाक्य के अंत में रहा है रही है, रहा हूँ रहे हैं रहे हो आदि में से कोई एक आता है और समय अवश्य दिया गया रहता है तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। फिर से हम लोग ध्यान दें बच्चों, इसी बात को हम इंग्लिश में कहेंगे कि विच सेंटेंस हैज इन इट्स एंड रहा है रही है रहे हैं रहा हूं एटीसी विद टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी जो सेंटेंस अपने अंत में रहा है रही है रहे हैं आदि में से कोई रखता है और समय भी दिया गया हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। जैसे राम सुबह से एक पुस्तक पढ़ रहा है। देखिए बच्चों यहां वाक्य के अंत में रहा है आया है, इसलिए ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन जब हमने चेक किया पता चला यहाँ समय दे दिया सुबह, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी सहायक क्रियाएं हैज बीन और हैव बीन होती हैं। हैज बीन फॉर सिंगुलर नंबर, हैव बीन फॉर प्लूरल। और बच्चों यहाँ समय के लिए सिंस और फार का प्रयोग किया जाता है। सिंस फॉर डिफिनिट टाइम, फार फॉर इनडिफिनिट टाइम। यानी निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग किया जाता है। अब यहां पे ध्यान ये देना बच्चों, जो इसकी सहायक क्रियाएं हैं कौन कौन है, हैज बीन हैव बीन और
किया जाता है बच्चों को, हम ध्यान दें निश्चित समय, जिसे अंग्रेजी में डिफिनिट टाइम कहते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है, सुबह, दोपहर, शाम, रात, दिन, तिथि, सत्र, महीनों के नाम, काम, बजे, इतने के साथ सिंस का प्रयोग किया जाता है। यानी निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। निश्चित समय कौन आया भैया? सुबह, दोपहर, शाम, रात, दिन, तिथि, सत्र, महीनों के नाम और बजे। जैसे सुबह आप जान ही रहे हो, यहां से हमें ध्यान देना है दिन माने जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार अगर कह दिया जाए तो वो निश्चित हो जाएगा। तिथि भी अगर कोई कह दिया 1 जनवरी से आ रहे हैं, 2 जनवरी, 5 जनवरी, 10 जनवरी, ये निश्चित हो जाएगा। सत्र 2018, 2019, 2019, 2020, 2020, 2021 अगर कहा जाए तो ये भी निश्चित है। महीनों के नाम बच्चों जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई आदि आ जाए। बजे 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, ये निश्चित समय है। इसके अलावा बच्चों अनिश्चित समय के लिए भार का प्रयोग किया जाता है। अनिश्चित समय के लिए भार। अब अनिश्चित समय के अंतर्गत कौन कौन सा आता है ये हम ध्यान दें। इसमें जैसे आता है बच्चों 2 घंटा, 2 दिन, 2 माह, 2 वर्ष, कल परसों, आज। समय के लिए भार का प्रयोग किया जाता है। तो ये हम ध्यान दिए बच्चों कि जैसे 2 घंटा हो गया, अब कोई भी घंटा घंटे नहीं लिखा जाता बच्चों, क्योंकि कोई भी मात्रक बहुवचन में नहीं होता। कभी कभी आपने देखा होगा क्वेश्चन पेपर पे तमाम स्कूल वाले घंटे लिखा देते हैं, वो गलत है। तो जैसे 3 घंटा, 3 घंटे नहीं, बोलचाल में दिख रहा है सही, लेकिन ये आप उन लोगों से बताओ, कोई माँ जो भी मात्रक होता है वो बहुवचन में नहीं होता। जैसे कपड़ा नापने का मात्रक मीटर, तो मीटर ही नहीं, 2 मीटर ही कहोगे, 10 मीटर ही कहोगे। लीटर भी वैसे है। तो हम यहाँ ध्यान देंगे घंटा के साथ 2 दिन, अब चाहे 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, ये सब अनिश्चित समय है। 2 माह,
जरूरी नहीं कि सर जी ने दो लिखा दो ही आना चाहिए, वो दो माह, चार माह, पाँच माह, दस माह आदि, दो वर्ष, वर्ष भी है, बाकी कल, परसों, नरसों, चरसों, ये सारे चीज़ हमारे किस में आते हैं अनिश्चित समय के लिए। और सर जी ने बताया कॉन्टिन्यूस कहीं भी सुन लो, जान जाओ उसमें मुख क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करना है। तो इस वाक्यांत में मुख क्रिया में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, इस वाक्य में मुख क्रिया में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। आईएनजी इज यूज्ड इन मेन वर्ब इन दिस टेंस। तो इस वाक्य मुख क्रिया में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। बच्चों कोई भी टेंस तीन प्रकार का होता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अब हम इस टेंस के हिस्सों को देख लें, इसके बारे में हम लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ हम लोग जब ध्यान देंगे तो यहाँ हमने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे सरला एक पत्र सुबह से लिख रही है, सरला एक पत्र सुबह से लिख रही है। हम सबसे पहले सरला, उसके बाद सहायक क्रिया हैव बीन, क्योंकि इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर देन हेल्पिंग वर्ब इज यूज फॉर सिंगुलर नंबर। सरला हैव बीन राइटिंग ए लेटर मॉर्निंग। सरला हैज बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। तो यहां देखो सुबह निश्चित समय था, इसलिए क्या लगा सिंस। अब हम इसी का निगेटिव ध्यान दे रहे, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। सरला एक पत्र सुबह से नहीं लिख रही है, ये हो जाएगा सरला हैज नॉट बीन। मैंने बताया बच्चों नॉट का हमेशा चौथा स्थान होता है, तीसरा। तो सरला हैज नॉट बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। इस तरह से बच्चों हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा, निगेटिव पढ़ा, पढ़ेंगे इंट्रो। क्या सरला सुबह से एक पत्र लिख रही है? क्या पहले आया बच्चों? भी मैंने पहले बताया क्या, अगर पहले आएगा तो हमें क्या कि अंग्रेजी नहीं लिखना, तब उसकी सहायक क्रिया
लेकिन अगर सहायक क्रियाओं की संख्या कई हो तो उसका मेन अंग ही आगे हम लिखेंगे, जिसके में जैसे हैज बीन बड़ा है तो केवल हैज ही लिखेंगे, हैज सरला बीन राइटिंग ए लेटर सिंस प्रश्नवाचक तो दो तरह से होता है, एक प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है, एक बीच में आता है। सरला एक पत्र सुबह से क्यों लिख रही है, यहां प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले वाई है सरला बीन राइटिंग ए लेटर सिंस इस तरह से बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कंप्लीट हो गया। अब हम दो चार सेंटेंस रख लें अपने आप को फेयर करने के लिए कि हाँ हमने सीखा और हम इनको अब कर सकते हैं। किसी ने कह दिया कुणाल 2 घंटे से बगीचे में दौड़ रहा है, कुणाल 2 घंटे से बगीचे में दौड़ रहा है। बच्चों इस वाक्य अंत में रहा है आया है इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन जब घंटा हमने देखा तब ये पता चला कि समय दिया है इसलिए यहां ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले कर्ता लिखेंगे कुणाल, उसके बाद हैज बीन रन डबल एन हो जाएगा रनिंग, इन दी गार्डन अनिश्चित समय के लिए फॉर टू आवर्स। बच्चों हम HRS भी लिख सकते हैं आवर्स, लेकिन पूरा देश लिखा गया। इस प्रकार से बच्चों मैं आशा करता हूँ कि अभी हम लोगों ने टेंस के तहत 2 टेंस पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम अच्छे से वीडियो सुने और अच्छे से ध्यान दें तो टेंस बहुत कठिन चीज़ नहीं है, केवल उनके अपवादों पर हमें फोकस करना है। पहले हम अच्छी तरह से जान जाए फिर अपवाद भी धीरे धीरे सीखते रहेंगे। आज की वीडियो बच्चों यहीं तक, धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला सीखेंगे।